आइए रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। अतिवृष्टि से जैसी नगर तहसील के सभी ग्रामों की खरीफ की फसल उड़द और मूंग आदि खराब हो गई है। वही फसल की फल्ली पौधों में लगी सड़ गई। लगातार कई वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हो रहे नुकसान से किसान परेशान है। इसी कारण से किसान की आर्थिक स्थिति खराब है। इस विषय में तहसीलदार को ज्ञापन। किसानों का कहना है कि 15 दिवस में राशि नहीं मिली तो आगे सभी किसान उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जवाबदार शासन होगा। खरीफ फसल की जो उड़द मूंग की फसल है, 2 महीना से अति वर्षा के कारण नष्ट हो गई है। उसकी मुआवजा के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ऐसा सुनने में आता है HDFC कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है बीमा कंपनी का, और भारत सरकार की कंपनी है HDFC जी। तो उस संबंध में आप लोग कोई प्रयास किए? प्रयास नहीं किए, हम लोग मांग कर रहे हैं। और एक बार इधर तहसीलदार के यहाँ भी और कलेक्टर साहब के यहाँ और मुख्यमंत्री के यहाँ भी अपनी मांग रखेंगे। नष्ट हो गए हैं उड़द मूंग, कछु सोयाबीन, उपे वाले। शासन स्तर पर आपने क्या मांग की है इसके लिए? इसको जो है कि सर्वे कराई जाए, उन किसानों को बीमा दिया जाए और मुआवजा दो। जैसा है कि आप भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं, भारतीय जनता किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, तो इस संबंध में अपने आप पार्टी के जनप्रतिनिधियों से क्या कहना है? जनप्रतिनिधि ने तो आज दिन तक उनके लाने भी हमने ज्ञापन भेजो तो पिछले ज्ञापन दो, पर आज दिन तक यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनने तो आज दिन तक किसी की सुनी नहीं है। किसानों के हक में तो एक बात भी नहीं सुनी है। JC नगर से संवाददाता गुलाब पोरी की रिपोर्ट।